राइजेक्शन रोड मैप सीरीज में हमारा ये 9वां वीडियो है। इनसे पहले हम इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसीलिए आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्रोजेक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, 3 इनसाइड अप पैटर्न, 3 इनसाइड डाउन पैटर्न, 3 आउटसाइड अप पैटर्न और 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न को डिटेल्स में समझेंगे। चलिए सबसे पहले पियर्सिंग लाइन पैटर्न को जानते हैं। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न में 2 कैंडलों का समावेश होता है जिसमें एक बेरिश रेड कैंडल और दूसरी कैंडल बुलिश होती है और ये मार्केट में आने वाले बुलिश रिवर्सल सिग्नल की तरह काम करता है। मार्केट में नियरेस्ट सपोर्ट एरिया के पास सेलर्स एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इस रेड कैंडल के नीचे होती है मगर लोअर लेवल से बायर्स मार्केट में एंट्री बनाते हैं और प्राइस को अपसाइड पुश करते हुए हायर लेवल्स पर क्लोज करते हैं। यहां इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर प्रीवियस रेड कैंडल के 50% से ऊपर होती है तभी पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। सेलर्स प्राइस को लोअर लेवल से ओपन करते हैं लेकिन बायर्स की प्राइस सपोर्ट एरिया के पास होने के कारण एक्टिवली बाइंग स्टार्ट करते हैं जिससे चार्ट पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग अगर इस कैंडल के ऊपर होती है तो ये कैंडल एक पैटर्न कॉन्फर्मेशन की तरह काम करेगी जिससे चार्ट पर एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल बन जाता है। सपोर्ट एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर इस थर्ड ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के बाद आप एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। अब डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बारे में जानते हैं। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न में 2 कैंडल्स होती हैं, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल और दूसरी कैंडल बुलिश होती है और ये मार्केट में आने वाले बेरिश रिवर्सल सिग्नल की तरह काम करता है। मार्केट में प्राइस जब रेजिस्टेंस एरिया के पास आते समय एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल चार्ट पर बनाती है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इस कैंडल के ऊपर होती है मगर हायर लेवल से सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं जिससे ये कैंडल रेजिस्टेंस एरिया के नीचे क्लोज करती है। बायर्स द्वारा जो मार्केट में बाइंग प्रेशर बनाया गया वो पूरी तरह खत्म हो जाता है और हायर लेवल्स पर सेलर्स मार्केट में कंट्रोल बनाने लगते हैं। यहाँ इस रेड बेरिश कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस ग्रीन कैंडल के बॉडी साइज से 50% से नीचे होती है तभी ये डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे होती है तो आप इसे कॉन्फर्मेशन कैंडल की तरह देख सकते हैं क्योंकि यहाँ सेलर्स बायर्स पर हावी हो रहे हैं। रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर इस रेड कैंडल की क्लोजिंग के बाद शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब 3 इनसाइड अप पैटर्न को जानते हैं। 3 इनसाइड अप पैटर्न में 3 कैंडल्स होती हैं, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल और 2 बुलिश कैंडल होती हैं। मार्केट में एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड होता है जब प्राइस नियरेस्ट सपोर्ट एरिया के पास आते समय एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाती है। यहां सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं लेकिन सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उसी कैंडल के अंदर होती है और प्राइस ऊपर बढ़ते हुए एक छोटी ग्रीन कैंडल बनाती है। इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अंदर होने के कारण हम इसे इनसाइड कैंडल कहते हैं जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। थर्ड कैंडल इसी लेवल पर ओपन होती है और रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज होती है जिससे चार्ट पर इस तरह 3 इनसाइड अप पैटर्न बनता है जो कि मार्केट में एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है। यहां सपोर्ट लेवल के पास जो सेलर्स ने सेलिंग प्रेशर बनाया था वो इन 2 ग्रीन कैंडल्स ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। इस तरह का 3 इनसाइड अप पैटर्न अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास बनता है तो आप इस ग्रीन कैंडल या फिर सपोर्ट लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब 3 इनसाइड डाउन पैटर्न को समझते हैं। 3 इनसाइड डाउन पैटर्न में 3 कैंडल्स होती हैं, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, दूसरी स्मॉल इनसाइड रेड कैंडल और तीसरी कैंडल फिर से रेड कैंडल होती है। मार्केट में जब प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के पास आती है तो न्यू बायर्स रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल बनाते हैं लेकिन प्राइस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाती और इसी एरिया में कैंडल क्लोज हो जाती है। कुछ बायर्स यहां उनके प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाने के कारण प्रॉफिट बुकिंग करते हैं जिस कारण चार्ट पर इनसाइड रेड कैंडल बनती है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उसी रेड कैंडल के नीचे होती है और प्राइस नीचे जाते हुए इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज करती है जिससे चार्ट पर 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बनता है जो कि एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है। रेजिस्टेंस एरिया के द्वारा बायर्स की प्रॉफिट बुकिंग करने से और हायर लेवल्स पर सेलर्स की एंट्री के कारण यहां सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। इस रेजिस्टेंस एरिया के थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके आप एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अब हम 3 आउटसाइड अप पैटर्न को समझते हैं। 3 आउटसाइड अप पैटर्न में 3 कैंडल्स होती हैं, जिसमें एक बेरिश कैंडल, दूसरी
एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और तीसरी नॉर्मल बुलिश कैंडल होती है। मार्केट एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के बाद अपने सपोर्ट एरिया के पास आता है तो मोमेंटम कम होने से चार्ट पर छोटी छोटी रेड कैंडल बनती है। यहाँ सेलर्स को कमजोर होता हुआ देख कर बायर्स एक्टिवली बाइंग करना शुरू करते हैं, जिससे चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज करती है। चार्ट पर हायर लेवल्स पर फिर से एक बुलिश कैंडल बनती है, जिससे यहाँ पर एक थ्री आउटसाइड अप पैटर्न बनता है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल की तरह काम करता है। इसका मतलब यहाँ प्राइस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने में फेल हुई है और यहाँ मार्केट में बायर्स हावी हो रहे हैं। अगर थर्ड कैंडल की साइज नॉर्मल ग्रीन कैंडल की तरह होती है तो आप सपोर्ट लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। चलिए अब थ्री आउटसाइड डाउन पैटर्न को समझते हैं। थ्री आउटसाइड डाउन पैटर्न तीन कैंडल्स को मिलाकर बनता है। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव करते समय रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचते हुए स्मॉल ग्रीन बुलिश कैंडल के साथ क्लोज करती है। यहाँ रेजिस्टेंस एरिया के पास कैंडल की साइज पिछले के मुकाबले कम होती जाती है। इसका मतलब यहाँ बाइंग प्रेशर कम होने से मार्केट का मोमेंटम स्लो हो गया है, जिसे देखकर बहुत से बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिससे प्राइस हायर लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाती है। बायर्स के प्रॉफिट बुकिंग को देखकर न्यू सेलर्स यहाँ मार्केट में शामिल होते हैं, जिससे यहाँ पर फिर से एक रेड कैंडल बनती है और प्राइस नीचे आती है। इस वजह से चार्ट पर रेजिस्टेंस एरिया के पास थ्री आउटसाइड डाउन पैटर्न बनता है। थर्ड कैंडल यहाँ पैटर्न कॉन्फर्मेशन का काम करती है, जो कि एक बेयरिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। यहाँ रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर आप थर्ड कैंडल के क्लोजिंग के बाद शॉर्ट ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम बेयरिश एंगल्फिंग और मारुबुजु कैंडल के बारे में जानेंगे। वीडियो में अगर आपके लिए कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक ट्रेडिंग सीक्रेट 2.0।